ये कुछ सवाल है, पहले उसको अटेम्प्ट कर लेना एक बार इलस्ट्रेशन देखने के पहले। इन सवालों का आंसर तुम जब अटेम्प्ट कर लोगे तब उसके बाद, या फिर सबसे बेटर ये रहेगा कि तुम उसको खुद ही से वापस से चेक करके देख लेना कि जो तुमने किया है वो काम सही है कि नहीं है, क्योंकि डिविजन एल्गोरिथम लगा के तुम वापस से चेक तो कर ही सकते हो कि जो तुम्हारा क्वेश्चन और रिमाइंडर आया है वो सही आया नहीं आया। ठीक है, सवाल लिखते चलो एक एक करके। जो पॉलिनोमियल डिवाइजर है और इधर डिविडेंड है तुम्हारे पास, डिवाइजर ये बात ध्यान में रखना डिवाइड करने वाला होता है और डिविडेंड डिवाइड होने वाला होता है। ठीक है, इसको तुम पी एक्स लो और इसको डी एक्स लो। ठीक है, पहला सवाल है तुम्हारे पास 2x माइनस 1 और 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। ठीक है, तो डिवाइजर भी तुम्हारे पास है, डिविडेंड भी तुम्हारे पास है, इसमें क्वोशेंट और रिमाइंडर तुम्हें निकालना है। ठीक है, ये पहले इसको कर लेना। अगला इसमें नोट करो 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65। जब ये डिवाइड होगा यानी कि ये डिविडेंड है तुम्हारा किसके द्वारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स के द्वारा, तब तुम्हारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आएगा ये तुम्हें निकाल के बताना है। ठीक है, अच्छा आगे अगला सवाल नोट करो 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, ये जब डिवाइड होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के द्वारा, ठीक है, तब क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होगा ये चीज तुम्हें बतानी है। ठीक है, अच्छा चौथा सवाल नोट डाउन करो 30x की पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48। ठीक है, ये जब डिवाइड होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, तब ये चार सवाल है तुम्हारे पास, पहले इसको प्रैक्टिस आउट कर लो, उसमें वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिथम एज वेल, मतलब तुम उसमें जो भी क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालो उसके बाद एक बार चेक जरूर कर लेना कि क्वेश्चन और डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करने से तुम्हारे डिविडेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा करके। ठीक है, एक बार ये चेक जरूर कर लेना, एक बार ये वाले पहले डिविजन कर लो उसके बाद फिर इलस्ट्रेशन वाले वीडियो में फिर आना। ठीक है, ओके।